पहली विद्वेश्वर संहिता कल हमने सुन ली, आज रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। इसके 5 खंड हैं। पहला खंड है सृष्टि खंड, हम उसी की कथा सुन रहे हैं। कल आपको याद होगा कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं। जो बात नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वही बात सूत जी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं और वो हम सुन रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो, आनंद वन में भगवान शिव बैठे हुए थे, उनके मन में विचार आया, ये जिस शिव की हम बात कर रहे हैं ये शिव पर ब्रह्म है जो कल ओंकार रूप में प्रकट हुए, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने विचार किया कि सृष्टि के संचालन के लिए मुझसे हट के कोई एक और पुरुष का निर्माण मुझे करना पड़ेगा, जो सृष्टि का सृजन भी करे, पालन भी करे और संहार भी करे। तो परम शिव ने विचार किया, अपने बाएं भाग पे थोड़ा सा अमृत मला तो एक पुरुष प्रकट हुआ। बड़ा व्यापक था वो पुरुष, ग्रंथकार ने लिखा, विष्णवी व्यते व्यापक व्यत्वाते नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यानी नामानि भक्त सौख्य कराणि। इसका अर्थ ग्रंथकार बताते हैं कि जैसे ही वो व्यापक पुरुष प्रकट हुआ, भगवान ने कहा तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम भक्तों को सुख देने वाले होंगे, तुम्हारे विभिन्न अवतार होंगे और तुम बहुत से नामों से बहुत से काम करोगे। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही विष्णु भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की तो उनके अंग से जल धाराएं निकली और इतनी जल धारा निकली कि वो जल में ही सो गए। जल को नार भी कहते हैं। जल में शयन करने के कारण जल को नार कहते हैं, तो उनका नाम नारायण पड़ गया। उस समय पूरी सृष्टि में नारायण के अलावा कोई नहीं था, कोई नहीं था उस सृष्टि में, सिर्फ नारायण थे। तब नारायण ने क्या किया, तत्सम पुरुषो विष्णु प्रबुद्धो ध्यान मार्गतः सुप्रीतो विस्मयं प्राप्त किम यत्वत्व महा इति। विष्णु ने ध्यान मार्ग में जाके अपने आप उस तप को पूरा किया और फिर प्रसन्नता से अपनी आंखें खोली तो उनको एक महातत्व नजर आया। बात थोड़ी गहरी पर ध्यान से सुनना। उस महातत्व को विष्णु ने देखा, पर जब आंख खोली तप करने के बाद तो क्या लिखा उनके लिए, सुप्रीतो विस्मयम प्राप्त। जैसे उन्होंने आंख खोली तो विस्मय और मुस्कान दो काम किए। सुप्रीतो मतलब मुस्कुराए, प्रसन्न हुए। अब देखिए सृष्टि का आरंभ हो रहा है और विष्णु जी ने आंख खोली तो सबसे पहले वो मुस्कुराए, तो आप भी जरा मुस्कुराइए, शुरुआत कर रहे हैं ना आज शुरू से ही मुस्कुराओ। हाँ, बिना मुस्कुराए सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि सृष्टि का निर्माण करना है तो प्रसन्न चित्त हो जाएं। और मैं आपको फिर याद दिला दूं, यदि हम माता पिता हैं तो हमारी भी एक सृष्टि है, तो प्रसन्नता से आरंभ करिए कोई काम। आज हमारे देश में, बुरा मत मानना, लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट आई कि कौन लोग उदास हैं। सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें क्रम आया, जैसे आता ना कौन लोग भ्रष्ट हैं, तो उसमें आया सबसे पहले नेता, फिर अधिकारी, फिर उद्योगपति, ऐसा आता है क्रम। कई चीज़ों का सर्वे होता है, इसमें सर्वे हुआ कि इस देश में इस समय कौन लोग उदास हैं। आप जानते हैं उसमें क्या आया, सबसे पहले माता पिता उदास हैं। बड़ा दुख होता है ये सुन के, लेकिन ये सही है। उसके बाद नीचे आया कि पढ़े लिखे लोग उदास हैं, उसके बाद आया कि जो धन कमाने में लगे वो उदास हैं। तो कमाल हो गया, भारत की धरती में जो लोग उदास हैं सबसे ऊपर नंबर क्रम माता पिता का आ गया।
और भारत की धरती में अनेक कथाएं अनेक अवतार हुए, ये ठीक नहीं है दृश्य, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं, तो सुप्रीतो विस्मयम प्राप्त, हंसे मुस्कुराए प्रसन्न हुए और हमको संदेश दिया कि जब निर्माण का काम करो, सृष्टि के निर्माण का, अपने परिवार के निर्माण का, अपने वंश के निर्माण का, तो प्रसन्नता मत खोना। विष्णु जी ने देखा, एक महत्तत्व उनको दिखा, फिर तीन गुण नजर आए, उन तीन गुण से अहंकार बना, अहंकार से पांच तन्मात्राएं बनी, पांच तन्मात्राओं से पंचभूत बने, कौन से पंचभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, फिर उससे ज्ञानेंद्रियां बनी पांच, फिर उससे कर्मेंद्रियां बनी पांच, ऐसे टोटल हो गए 24, 24 तत्व, फिर बना मनुष्य। अब 24 तत्व से एक पिंड तैयार कर दिया विष्णु जी ने,